नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आपका डी फोकस में स्वागत करता हूं। लेकिन मेरे दर्शक मुझसे हमेशा कहा करते थे कि हिमांशु जी इस साल नए साल का क्या आप मुझे तोहफा देंगे, लेकिन तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि हिमांशु कहीं दिल्ली तो नहीं पहुंच गया। इस लाल किला की तस्वीरें देखकर आपके दिल में जरूर ख्याल उत्पन्न हो गया होगा कि आखिर हिमांशु कहाँ पहुँच गया। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, क्योंकि नए साल में मैं अपने घर में हूँ और आपके साथ हूँ। और मैंने सोचा था कि नया साल आपके साथ मनाऊँ और आपके साथ टीवी में मनाऊँ, क्योंकि आप चाहेंगे कि घर का बेटा घर में ही रहे। लेकिन अक्सर मुझसे छोटे छोटे बच्चे कहा करते थे, स्कूल के जो स्टूडेंट थे वो कहा करते थे कि हिमांशु अंकल केवल टीवी पे ही हम आपको देखा करते हैं और नए साल में मम्मी पापा के लिए तो आप तोहफा लाया करते हैं, लेकिन हमारे लिए कभी कुछ लेके नहीं आए, हमारे स्कूल कभी चल के नहीं आते हैं, जब हम इंजॉय करते हैं तो उसे आप देखने नहीं आते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ये साल बच्चों के नाम क्यों नहीं किया जाए और उन बच्चों के नाम किया जाए जो लोग डी फोकस को देखा करते हैं और हमें प्यार किया करते हैं, देखा करते हैं कि हिमांशु अंकल किस तरह मेहनत करते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि इस नए साल का नया तोहफा मैं और भी आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि इस नए साल में नए एंकरों के साथ मैं तैयार हूं। आप देख ले, मेरी टीम पूरी तैयार हो चुकी है और पूरी टीम तैयार है जो आपको इस नए साल के सफर में मेरे साथ लेके चलेगी। आप देख ले, हमारी टीम तैयार है। मैं आपको अपनी टीम से पहले रूबरू कराता हूं कि आखिर कौन है और क्या कहां लेके चलेंगे। पहले हम अपने टीम के तमाम लोगों से आपको बात कराते हैं, नाम बताते हैं कि क्या है, क्या नाम है। मैं रोशनी और आज मैं आपको हमारे स्कूल विद्यालय कृष्ण पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 लेके जाने वाली हूँ। तानिया, आज आप लोगों को पूल लंच के बारे में कुछ दिखाने वाली हूँ, चलिए चलते हैं। मैं सपना, आज मैं फुल लंच को दिखाने वाली हूँ, कितनी अच्छी है फुल लंच हमारे स्कूल की। मैं अंजलि वर्मा, क्लास 9A की स्टूडेंट, आपको हमारे स्कूल के फुल लंच का एक छोटा सा दृश्य दिखाना चाहती हूँ। मैं कुमारी श्वेता, क्लास 10B की छात्रा, आपको दिखाऊंगी कि कैसे बच्चे डांस कर रहे हैं फुल लंच की खुशी में। हाय, मैं सुजीत कुमार मिश्रा और मैं हमारे स्कूल कृष्ण पब्लिक स्कूल के पूल लंच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं हूँ अभिषेक कुमार सिंह और मैं अभी अपने सारे टीम के साथ अपना स्कूल का पूल लंच के बारे में आप लोगों सबको बताने वाला हूँ, कैसा है और क्या है, मजा आने वाला, आइए आप मेरे साथ। तो सुना आपने, पूरी टीम तैयार है और पूरी टीम आपको पूल लंच के बारे में बताएगी। जो स्टूडेंट इस समय टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ और क्या आपको बताना चाहता हूँ। तैयार हैं आप, चलेंगे हमारे साथ? तो चले, नए साल का तोहफा के लिए आप तैयार हो जाएं, हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। आए, एंटरटेनमेंट जिसका मां नाम है मस्ती, और मस्ती कहां, हमारे कृष्ण पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 में। आइए तो चलते हैं हमारे बच्चों के पास जो पूरी तरह से डांस के मस्ती में धुन है, और मैं आपको ले चलूंगी इस जगह जहां पे हर तरफ बच्चे इतने खुश हैं जो देखने में मस्ती हैं। तो आइए मैं आपको ले चलती हूं हमारे कृष्ण पब्लिक स्कूल। मैं अब अपने बच्चों से बोलूंगी कि कितने कितने ज्यादा खुश है हमारे बच्चे, बताइए। आप देख सकते हैं कि कितने खुश है हमारे बच्चे, पूरी तरह से खुशी का माहौल हर तरफ से हमारे बच्चे। मैं इनसे कुछ चाहूंगी तो बताइए आप कितने खुश है इस मस्ती को लेकर। बहुत खुश है, बहुत खुश है, पहली बार ऐसा मौका मिला है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमारा लास्ट ईयर है और हम लोग कुछ कसर नहीं छोड़ना चाह रहे, स्कूल ने बहुत अच्छा इंतजाम किया। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना कि बच्चे का इनका लास्ट है तो ये कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रहे, इसका मतलब ये इस साल पूरे मस्ती करके जाने वाले हैं। और आइए हम आगे चलते हैं हमारे दूसरे बच्चों के पास जो बाकी भी किसी और माहौल में पूरी तरह से व्यस्त है। और अब देखते हैं लड़कों का दृश्य, एक्साइटमेंट क्या होता है, ये दृश्य देखकर हम लोग को पता चलता है एक्साइटमेंट क्या होता है। तो ये सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं कि एक्साइटमेंट किसका नाम है। तो बाबू मिश्रा, चलिए आप लोगों को ले चलता हूँ अपने क्लास के बच्चों की तरफ। तो हिमांशु भैया, चलिए आपको मिलाते हैं हम अपने क्लास के बच्चों से। तो ये हमारा क्लास 12A, जैसे इन लोगों को देखकर कोई एक्साइटमेंट पता नहीं चल रहा, क्या दोस्त?
पता नहीं चल रहा कि पूल लंच है, कुछ तो ऐसा करो जिससे पता चलना चाहिए पूल लंच है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्साइटमेंट का कैसा नजर आप लोग के सामने दिख रहा है। तो ये हमारे क्लास का पूल लंच, सबसे पहले मिलते हैं मेरे एक दोस्त अभिषेक से। तो बताए दोस्त आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि हमें हमेशा ऐसा करने को मिलता नहीं है, मौका हमेशा एक ही बार आता है साल का एक, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम अपने आज हम लोग जो मन से हम कर रहे हैं, मतलब बहुत खुशी हो रही है हमें। तो पढ़ाई से दूर थोड़ा हम लोग दोस्तों से बात करते हैं। तुर्पेश आप बताएं आपको यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है और इसी कारण थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। और अच्छा पूल लंच को आपको अगर पूल लंच को एक शब्द में बता दो कि पूल लंच का दूसरा नाम क्या रखना चाहिए? एंजॉयमेंट। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त है, सबसे लंबे दोस्त है। तो ये बताएंगे आपको किस तरह का तजुर्बा हो रहा है? आज हम लोग का ये लास्ट पूल लंच है, इसमें हम लोग बहुत सारा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कितना मस्ती कर रहे हैं इस जगह पे। पूल लंच हमारे स्कूल में पहला लास्ट पूल लंच होगा जिसमें हम लोग बहुत सारा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि हमारे स्कूल का ये आखिरी समय, अब हम लोग यहाँ से अलग अलग जगह बढ़ जाएंगे, तो आखिरी समय आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है पूल लंच मनाने में हमें। ये तो हो गया हमारे सभी दोस्त, अब दोस्तों के बीच हम एक आगे बढ़ते हैं। इस बार क्लास 12 तो हम लोग देख चुके हैं कैसे एक्साइटमेंट सब भरा हुआ था। अब आगे देखते हैं क्लास 10, जो कि ये भी एक 12 के बाद 10 भी एक आखिरी समय होता है, तो 10th के बाद भी लोग अलग अलग जगह बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्लास 10 की ओर। तो दोस्तों एंजॉयमेंट का कुछ पता नहीं चल रहा है क्या? आप लोगों के अंदर एंजॉयमेंट खत्म हो गया? तो क्या आप बताना चाहिएगा कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है पूल लंच, ये लास्ट साल है हम लोग का, तो थोड़ा एंजॉयमेंट कर रहे थे हम लोग, डांस भी मजा आया हम लोग को करके, सबको बहुत अच्छा लगा। श्रेया बताइए कैसा लगा? श्रेया बहुत अच्छा लगा हम लोग को, ऐसा लास्ट दिन है तो मस्ती तो करना है, लास्ट है साल है। अच्छा ये देखिए कैसे सबके और पूरा मस्ती का माहौल छाया हुआ। लड़कियों आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, आई कांट हियर यू। अब आते तो लड़कियों की तरफ कि लड़के आप लोग अपना एक्साइटमेंट कैसे दिखाना चाहेंगे? मतलब लड़कों की आवाज तो आ नहीं रही है, लड़कियों की ज्यादा आवाज आ रही है। अब हम आपको मिलाते हैं 10वीं के कक्ष बच्चों से। मैं आपसे पूछूंगी क्या आप यहाँ मस्ती कर रहे हैं? मैं इनसे पूछूंगी कि इन्होंने, हाँ वैसे यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, मैं इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी मैं इनसे पूछना चाहूंगी। हाँ थोड़ा शांत क्या आप यहाँ पे कितने, मतलब कितने मस्ती के एंजॉय में और बहुत बहुत, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये लोग कितने मस्ती के मूड में और इससे ज्यादा, और हमें देखने को मिल रहा है कि ये लोग कितने मस्ती के मूड में है, इससे पूछने का कोई जरूरत नहीं है कि ये लोग और कितने मस्ती करने वाले हैं। अभी इन लोग का जो है वो अभी ठंडा नहीं हुआ, अभी वो लोग बहुत ज्यादा मस्ती के मूड में है। मैं इन बच्चों से पूछना, और आप लोग बताइए मस्ती के मूड में बहुत ज्यादा, तो अभी बहुत मस्ती बाकी है। यहाँ से जाने के मूड में नहीं है, बहुत ज्यादा खुश है और बहुत ज्यादा मस्ती अभी करने वाले हैं, इनका खुशी का ठिकाना नहीं है। वैसे तो स्कूल बहुत डरावना प्लेस माना जाता है, जहाँ पे बच्चे आने से बहुत डरते हैं, लेकिन आज ये देख के लग नहीं रहा कि बच्चे डरते हैं, यहाँ इतने बच्चे खुश है कि मैं कहना, मैं यहाँ पे अब उनके शिक्षक से पूछना चाहूंगी इन्हें कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के उत्साह को देख करके, उनकी उमंग को देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे ही उनका उमंग बढ़ता रहे। और मैं इनसे कहूंगी कि ये कक्षा में भी ऐसे ही उमंग बरकरार रहे। अब मैं आपको, चलिए मैं आपको आगे ले जाती हूँ दूसरी कक्षाओं की ओर। हमारी जूनियर कक्षाओं के बच्चों, अब मैं इनसे छात्र